वेलकम बैक टू आवर चैनल. वेलकम वेलकम. एंड आप देख सकते हैं मैंने हुडी वगैरह पहनी हुई है, हुडी डाली हुई है, क्योंकि दिल्ली में यार ठंड बहुत बढ़ गई है और ठंड में निकला नहीं जाता ये सब चीजों के बिना. तो ठंड में कुछ गर्म खाने की तलाश में हम निकल चुके हैं. और गर्म खाने किसे याद आया, मेघा बताएगी आपको कि क्या खाने जा रहे हैं. आज हम खाने जा रहे हैं साउथ इंडियन फूड, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी है. और गर्म खाने से मेरा मतलब था उनका जो सांभर होता है, सर्दी में मुझे इतना सही लगता है ना, जो आपको फील आता है गरम गरम सांभर पीने का, वो अमेजिंग ही होता है. यस yes. और एक बात और याद आई, अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप प्लीज जाके उसको देख सकते हैं. हमने लास्ट टाइम बहुत ही टेस्टी चाप खाया था और आज हम जा रहे हैं साउथ इंडियन फूड, जो मैंने पहले खा रखा है बट इसको आज मैं खिलाने जा रही हूँ. सो लेट्स सी इसके कैसे रिव्यूज आते हैं. और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ इस वेंडर का, ये एक स्मॉल सा वेंडर है रोड साइड, तो देखते हैं क्या होता है इसके पास. yes. और आपको बताते हैं. तो गाइज हम लोकेशन पर आ गए हैं, आपको ये सफल डेयरी मिल जाएगी यहाँ पर, इसी के सामने जस्ट सामने ये एक छोटा सा स्टॉल है, यही है वो साउथ इंडियन वाला. तो चेक करते हैं क्या फूड है इनके पास और कैसा है टेस्ट. तो हमारा हमारी पहली डिश आ चुकी है, ये है दाल वड़ा, उसके साथ हमको सांबर वाली चटनी मिली है, वाइट नारियल की चटनी, सॉरी नारियल की चटनी. और हमें सांबर मिला है. सो अब देखते हैं ये टेस्ट में कैसा है. सो हम ट्राई कर रहे हैं ये yes. खाने में कैसा है. ये हमारा दाल वड़ा है, हम साझे हमको खा के दिखाएंगे क्योंकि मैं पहले टेस्ट कर चुकी हूँ. तूने दाल वड़ा खाया? यस. कैसा होता है? बहुत टेस्टी यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये क्या चीज़ है. ये बाहर से क्रिस्पी है बहुत ज्यादा और अंदर सॉफ्ट, कुछ स्टफिंग है इसमें, चने की दाल की स्टफिंग है. खा के देखते हैं कैसा है. आपने कुरकुरे मोमोज खाए होंगे, ये कुछ उस टाइप का है. कितना क्रंच है इसमें, सांबर जैसा लगा और ये सांबर के साथ बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है यार, सही में टेस्टी है ये. अब मुझे भी टेस्ट कराओ. इनका सांबर भी अच्छा है टेस्ट में, मसाले बहुत अच्छे डाले हुए हैं इन्होंने. ये हमने मंगाया है अनियन मसाला डोसा, इसमें आलू शायद अंदर फिल किया है इन्होंने. हाँ अंदर फिल किया, आप देख सकते हैं. खा के देखते हैं, काफी टेस्टी सा लग रहा है देखने में. तो मैं टेस्ट करता हूँ इसे. जो इनका आलू की फिलिंग है उसमें ज्यादा मसाले नहीं है, वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं फीका टाइप है. तो मुझे दाल वड़ा ज्यादा पसंद आया क्योंकि मुझे चटपटी चीजें खाना ज्यादा अच्छा लगता है. बट ये अच्छा जाएगा. I must tell you that आपको यहाँ आके पनीर डोसा जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ और वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है. सो प्लीज ट्राई करो. तो गाइज हम दोनों ओवर हो चुके हैं, ओवरलोडेड बहुत ज्यादा, क्योंकि जो खाने की क्वांटिटी थी ना वो बहुत कम रेट में बहुत ज्यादा है, कितना ज्यादा था. और जो हमारा डोसा है वो बहुत ज्यादा हैवी था, उस डोसा में फिलिंग कूट कूट के भरी थी इन लोगों ने. जबकि अभी मोटा डोसा हुआ है, अभी सिर्फ 10:30 ही है और हम ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे. हमारा पेट ज्यादा ओवर हो चुका है ना हमारा, बता नहीं सकता. हमने जबरदस्ती खाया क्योंकि हमारा मन नहीं था खाना वेस्ट. और इसने मुझे बताया कि अगर ये हम वेस्ट करते हैं खाना छोड़ते हैं तो ये लोग हमें डांटते भी है. तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको खाना पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा अपना. तो खाने की बात करें तो यार दाल वड़ा इतना टेस्टी था, मैंने पहली बार ट्राई किया दाल वड़ा, मुझे पता नहीं था ऐसी कोई डिश भी होती है. वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया. डोसा भी अच्छा था लेकिन मुझे थोड़ा स्पाइसियर पसंद है. बट उनकी जो बट मुझे डोसा अच्छा लगा, लाइक मुझसे ज्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता तो मेरे हिसाब से डोसा वर्स गुड. अगर आप कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप खा सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, अच्छा है डोसा. और फीलिंग बहुत ही ज्यादा है तो आपको कम पैसों में इतना ज्यादा खाने को मिल जाएगा. हमारा आई गेस 120 लिया इन्होंने दोनों डिशेस का टोटल, और इतना ज्यादा खाना था कि अब हम 4-5 घंटे तो कुछ नहीं खाने वाले. और अभी हम एक पार्क में आके सबसे पहले बैठे हैं,
क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, खा नहीं हो पा रहे थे। जो मेन बात है वो तो हम बोलना भूल ही गए। तो बहुत सारा स्टफ आने वाला है आपके लिए, बहुत ही मजा करने वाले हम लोग साथ में मिलके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू गेस राइट, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यस।